हाँ मैं बता रही हूँ, कोई बताया ना बताया, मैं बता रही हूँ। अपना दिखाया इनको? सपना दिखाया? हाँ अपना नहीं, हमारे उसमें है। अच्छा कोरोना आना सर। अच्छा ये बताइए, अल्लाह ये नहीं बोलता क्या कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो, अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता? नहीं नहीं मना करता तो उसमें। अच्छा इसीलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, अगर उसको फिर से बीवी बनना है आपके बेटे की? हाँ वो तो है ही। अच्छा हुकुम है, हुकुम है। खिलौना है क्या सर, गुड़िया है क्या वो? तो गलती करते क्यों हो, आपको मना करा गया है, मत दो तलाक। हाँ तुमको सदा के लिए बीवी बनाया, उसके तलाक दो, तलाक हो गया, ये क्या हुआ? ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया। हाँ बस। पर सर महिला के ऊपर ये तो अत्याचार है ना कि पहले किसी और के साथ सोए वो पति के साथ वापस आना चाहती है। वो तो शादी करेगी जब रहेगी। अच्छा हाँ, और उसके फिर उसके शौहर की मर्जी। अच्छा। छोड़े या ना छोड़े, छोड़े या ना छोड़े, हाँ बच्चे नहीं छोड़ते। सारा अधिकार आदमियों पे है, पुरुष के ऊपर है सारा अधिकार। अच्छा ये बताइए चाचा बच्चे कितने होने चाहिए? जितने नसीब में होंगे होंगे, जितने नसीब में होंगे। सरकार तो कह रही है हम दो हमारे दो। कहने दो, कहने से क्या होता है? अच्छा, कोई मतलब नहीं है। हाँ वही है ना कि और दो तीन साल बचे तुम्हारे पास, जितने जुल्म करना है कर लो। तलाक पे लिया 370 हटाया था, मुसलमानों के खिलाफ आती हैं बातें। सर कह रहे हैं जो हलाला होता है, हलाला बिल्कुल सही है, एक महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ सो जाना चाहिए अगर उसे अपने पति से दोबारा शादी करनी है, क्या लगता है? मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। गर्व है आपको? मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। और दूसरी चीज, ये वही मेंटालिटी वाले लोग हैं जो फिर हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं में तो औरतों को समान अधिकार नहीं दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में औरतों की पूजा की जाती है, देवियों की तरह बच्चियों को पूजा जाता है, और इनके में हलाला होता है। हलाला होता है। अब आप देखिए ना, यही मेंटालिटी कहाँ से आते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। फिर कहाँ से आते सर आप? कोठे क्यों चालू हैं? कोठे क्यों नहीं बंद कराते? ये वो अलग कैसे हो गए, एक ही है वो पारिवारिक चीज नहीं है, है? वो पारिवारिक चीज नहीं है, नहीं हो रहा है वो परिवार में, नहीं हो रहा है ये आपके परिवार में हो रहा है। एक बात बताइए, जिनके घर में कौन बहन है कौन बीवी है इनको अंतर नहीं पता? क्यों क्यों सही है? मैं तो कहती हूँ मोदी जी से रिक्वेस्ट है, जैसे तीन तलाक खत्म किया है ना, इस चीज को भी खत्म करो। चाहे वो औरत अगर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाई उसको हक है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का। कौन कौन कहता है कि भाई अगर तुम्हें अपने पति के साथ दोबारा रहना है तो तुम्हें पहले हलाला करना पड़ेगा? हिंदुओं में तो ऐसा नहीं होता भाई साहब, इसीलिए कहते हैं सनातन सबसे पवित्र धर्म है जिसमें औरतों को इज्जत दी जाती है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया था, ये इतनी इम्पोर्टेंस है। हलाला सही है अंकल आपके? हाँ बिल्कुल सही है अंकल। आपको ऐसा नहीं लगता आपकी बेटी है किसी और के साथ सोएगी, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ है ये? गलत तो गलत है, जो एक बार एक शौहर को छोड़ दो दोबारा करनी नहीं चाहिए। कोई गलती होगी तभी तो छोड़ेंगे, जब तो दोनों में तलाक हुई है गलती होगी तो अब तो तलाक हो गई तो दूसरी जगह कर ले। ये बताइए आपके लिए कुरान पहले है कि संविधान? मेरे लिए कुरान पहले है। कुरान पहले है। हाँ।